हेलो, आज की वीडियो एक बकवास वीडियो होने वाली है, बट वन पीस ऑडियंस को ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है। तो या हियर आई एम विद अ बैक टॉपिक 20 हाईएस्ट बाउंटीज इन वन पीस। मांगा स्पॉयलर्स होने वाले वीडियो में, तो लेटेस्ट चैप्टर तक जो कॉट अप है वही ये वीडियो देखे। एंड या लेट्स बिगिन। ट्वेंटी हाईएस्ट बाउंटी एक योंको कमांडर का, जिसके अराउंड स्टोरी तो काफ़ी घुमा था, बट फॉर सम रीज़न ओडा ने इस पर कभी लाइमलाइट डाला ही नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड स्वीट जनरल ऑफ बिग मॉम पायरेट्स, शार्लेट स्मूदी। शी होल्ड्स द बाउंटी ऑफ 932 मिलियन बेरीज। इसने रेजू को ओवरपावर करने के अलावा कुछ ऐसा हरकत किया ही नहीं कि इसको इतना भी बाउंटी मिले। ऑल्दो आई थिंक शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इवन स्ट्रॉन्गर देन मोस्ट ऑफ द वारलॉर्ड्स आउट देयर, एक्स वारलॉर्ड्स एक्चुअली। बट स्टिल इसका रोल स्टोरी में उतना ही था जितना मेरे लास्ट वीडियो में एंगेजमेंट आई ई झाट बराबर। 19th हाईएस्ट बाउंटी एक और योंको कमांडर का ही है, एंड दिस गाय बिलोंग्स और मे बी बिलोंग्ड टू बीस्ट पायरेट्स, द थर्ड ऑल स्टार जैक द ड्रॉट। जैक एक हाथी, मुझे अच्छा लगता है ये, टू बी ऑनेस्ट। ही इज अ पुसी, बट एट द सेम टाइम ही इज समवन जिसको पता रहता है कि कब क्या करना है। ही हैज़ द बाउंटी ऑफ 1 बिलियन बेरीज। जैक इफ आई एम नॉट रॉन्ग फर्स्ट कैरेक्टर था जो कि बिलियन बाउंटी के साथ दिखा था, आई मीन बिलियन बाउंटी सबसे पहले इसी का दिखा था। 18th हाईएस्ट बाउंटी भी एक और योंको कमांडर का ही है। इसको योंको कमांडर बोल सकते हैं तो मुझे बताना, ठीक है। द लेफ्ट विंग ऑफ फ्यूचर पायरेट किंग ब्लैक लेग सांची। सांची हैज द बाउंटी ऑफ 1 बिलियन एंड 32 मिलियन बेरीज। काफ़ी कम है इसकी बाउंटी, बट या ही इज़ इन द बिलियन लिस्ट टू नाउ। सांची तो बेस्ट कैरेक्टर है वन पीस का, आई लाइक हिम ऑब्वियसली। वानो में ये बढ़िया था, ही डिफीटेड क्वीन, यूज्ड ब्लू फ्लेम्स, WCI में भी बढ़िया ही था ये, ठरकी बट बढ़िया कैरेक्टर। 17th पोजीशन पे एक और योंको कमांडर है। भाई ये लिस्ट योंको कमांडर से भरा पड़ा गया भाई। मैं क्या लेंडी जोक्स मार रहा। दिस गाय इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंटैगनिस्ट्स इन वन पीस, एंड इसकी बाउंटी भी कम है इसके स्ट्रेंथ के हिसाब से। द फर्स्ट स्वीट जनरल ऑफ बिग मॉम पायरेट्स, शार्लेट काटाकुरी। एक बहुत बड़ा डब्लू कैरेक्टर, अ कैरेक्टर बिकॉज ऑफ विच लूफी लर्नड अ कूल एबिलिटी कॉल्ड फ्यूचर साइट। नाइस कैरेक्टर। हिज फाइट विद लूफी वॉज आर्ग्यूएबली द बेस्ट फाइट इन द एंटायर वन पीस। दिस गाय हैज़ द बाउंटी ऑफ 1 बिलियन एंड 57 मिलियन बेरीज। 16th पे है अनदर ग्रेट कैरेक्टर। इज दिस गाय अ योंको कमांडर? आई डोंट नो, बट ही इज़ अ परफेक्ट गाय टू बी द थर्ड कमांडर ऑफ लूफी। आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूएस्ट स्ट्रॉ हैट, नाइट ऑफ द सी, जिम्बे। इसका बाउंटी सांजी से भी ज़्यादा है, एंड एट प्रेजेंट इसका थर्ड हाईएस्ट बाउंटी इन स्ट्रॉ हैट पायरेट्स, जो कि है 1 बिलियन एंड 100 मिलियन बेरीज। जिम्बे जो कि है द हेल्प्समैन ऑफ स्ट्रॉ हैट पायरेट्स, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसका एंट्री इन वानो वॉज ग्रेट, एंड हुज़ हू वाला फाइट तो भाई एकदम ही बढ़िया था। आई थिंक ही टोटली डिजर्व्स दिस मच बाउंटी, द फिशमैन हु एक्चुअली फेस्ड अ योंको विदाउट एनी फियर। डैम। 15th हाईएस्ट बाउंटी है एक और शायद से योंको कमांडर का। मैंने बार बार ये चीज़ बोला है, एंड लेट मी रिपीट इट अगेन, कि दिस गाय इज़ द एपिटमी ऑफ बैडनेस, द राइट विंग ऑफ फ्यूचर पायरेट किंग, किंग ऑफ हेल, रोरोनवा ज़ोरो। अ बाउंटी ऑफ 1 बिलियन एंड 111 मिलियन बेरीज इज नो डाउट वेरी लेस फॉर ज़ोरो। इसके हरकतें इन वन ओवर क्रेजी। द गाय टेम्ड एनमा, अनलॉक्ड कॉन्करर्स हाकी, यूज द एडवांस वर्जन ऑफ इट, एंड डिफीटेड अ फर्स्ट योंको कमांडर। क्रेजी। 14th हाईएस्ट बाउंटी एक बहुत बड़े क्लाउन का है। दिस गाय नॉट एट ऑल डिजर्व्स दिस बाउंटी। भाई मुझे तो नहीं लगता यार ये डिजर्व करता है। ये सेकेंड ऑल स्टार है बीस्ट पायरेट्स का, इसलिए बस इसका इतना बाउंटी है। द गाय हु गॉट हिज एस किक्ड बाय अ सिंप, क्वीन द प्लेग। क्वीन मेरे को बहुत दल्ला लगता है, एंड ये सांझी से बहुत पहले पिट जाता अगर सांझी के साथ उसके शारीरिक अतलंग नहीं हो रहे होते तो। दिस गाय हैज़ द बाउंटी ऑफ 1 बिलियन एंड 322 मिलियन बेरीज। अ वेरी फुद्दू कैरेक्टर। 13th हाईएस्ट बाउंटी एक काफ़ी बढ़िया कैरेक्टर की है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है, एंड इसका डेविल फ्रूट मेरा फेवरेट है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्स फर्स्ट कमांडर ऑफ व्हाइट बिट पायरेट्स, मार्को द फीनिक्स। दिस गाय हैज़ द बाउंटी ऑफ 1 बिलियन एंड 374 मिलियन बेरीज। अ गुड कैरेक्टर ही इज। मरीन फोर्ट में सारे एडमिरल्स को चैलेंज किया था ये, एंड ही वॉज डूइंग गुड अगेंस्ट देम। आई थिंक हिज बाउंटी इज परफेक्ट फॉर हिज स्ट्रेंथ। मस्त लूफी की हेल्प करने आया ये वानो, एंड एट वन पॉइंट ही वॉज होल्डिंग बोथ किंग एंड क्वीन अलोन। Damn, that was crazy. You see कि अभी तक जितने भी हाईएस्ट बाउंटी वाले कैरेक्टर्स दिखे हैं वो सारे ही योंको कमांडर्स थे या है। वेल जो 12th हाईएस्ट बाउंटी कैरी करता है वो भी एक योंको कमांडर ही है या था। लेट्स एंड दिस योंको कमांडर वाला पैटर्न विद अनाउंसिंग किंग द वाइल्ड फायर एज द कैरेक्टर विद द 12th हाईएस्ट बाउंटी, 1 बिलियन एंड 390 मिलियन बेरीज। डैम।
द गाय वॉज एबल टू डोमिनेट जोरो, दैट अलोन टेल्स अस कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. द गाय वॉज लॉयल, द गाय वॉज ब्रूट, रूथलेस एंड हराम खो टू द फर्स्ट ऑल स्टार ऑफ बीस्ट पायरेट्स. किंग वॉज अ गुड कैरेक्टर, अ कैरेक्टर हु टोटली डिजर्व्स दिस मच बाउंटी. 11th हाईएस्ट बाउंटी जिस कैरेक्टर का है, आई डिडेंट एक्सपेक्ट कि इसका इतना ज़्यादा बाउंटी हो जाएगा. शी हैड आई गेस द बाउंटी ऑफ 80 मिलियन बेरीज बिफोर, एंड वारोड पोजिशन हटने के बाद बाउंटी अनफ्रोज क्या हुआ बैच, सीधा 1,659,000,000 बेरीज की औकात हो गई इसकी. आई एम टॉकिंग अबाउट द पायरेट एम्प्रेस बोआ हैनकॉक, लूफी की सिंपल अमाओ. आई डोंट लाइक बोआ दैट मच, बट आई डोंट डिसलाइक हर टू. शी इज ओकेश कैरेक्टर, डज शी डिजर्व दिस मच बाउंटी? वेल बेस्ड ऑन हर प्रीवियस फीट्स नहीं, बट इसके बाद की हरकतें काफ़ी हद तक डिटरमाइन कर देगा कि ये इतने बाउंटी के लायक है कि नहीं. शी स्ट्रॉन्ग एक्टर दो, ब्लैकबेट पायरेट्स को पत्थर बना दी थी अकेले. आई वॉन्ट टू सी हर रोल इन द फ्यूचर, लूफी के साथ मिलेगी या फिर कुछ और हरकतें करेगी, आई वॉन्ट टू नो. 10th हाइएस्ट बाउंटी है, वेल आई लाइक दिस गाय, बहुत होशियार है ये. अभी लेटेस्ट चैप्टर में इसकी होशियारी दिखी है, एंड इसकी किस्मत बस ख़राब थी कि इसके अगेंस्ट साक्षात ऑथर ही था, वरना ये फ्रॉम द वेरी स्टार्ट बहुत तबाही मचाता स्टोरी में. I am talking about one of the most underrated character who is also one of the best One Piece antagonist, Sir Crocodile. One of the founding members of Cross Guild. Smoker ke baad shayad yahi log ya user dikha tha hame. Acha tha ye Alabasta mein. Impel Town and Marineford arc mein to foda tha bhai is bande ne. He has the bounty of 1 billion and 965 million berries. This guy totally deserves this bounty. Real excited to see his role in the future. Now comes the guy with the 9th highest bounty. 10th से 9th का ये जो बाउंटी जंप है ना, ये सबसे बड़ा है इस पूरे लिस्ट का, क्योंकि 10th और 9th हाईएस्ट बाउंटी में मोर देन अ बिलियन का गैप है. इस लिस्ट के ही नीचे के तीन बाउंटीज को मिलाने के बाद भी इट्स लेस देन दी 9th हाईएस्ट बाउंटी. एंड ये सेम बाउंटी सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन कैरेक्टर्स का है, एंड ये तीन कैरेक्टर्स है द हीरोज ऑफ ओनिगाशिमा वॉर, द टॉप थ्री स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरनोवास, एम्परर मंकी डी लूफी, सर्जन ऑफ डेथ ट्राफाल्गर डी वॉटर लॉ, एंड लेंडी दिमाग वाला इयोस्टस किड. All three of these have the bounty of 3 billion berries. Do they deserve this bounty? Luffy deserves more and Kid deserves less lamao, especially because of his Shanks wala fight. Can we call it a fight though? I don't know man. And Law ke liye to ekdam perfect bounty hai ye. Blackbeard ko acha khasa takkar diya al bande ne. Luffy Law to mujhe bahut pasand hai. Luffy favorite, Kid dalla hai. Law Kid abhi zakhmi halat mein hai. Luffy mast egghead mein chill kar raha hai. Badhiya ye Luffy Law and Kid bhi badhiya sa hi dalla hai. Baat kare 8th highest bounty ki. वेल जिस कैरेक्टर का ये बाउंटी है, क्या वो इस बाउंटी के लायक स्ट्रॉन्ग है? बिल्कुल भी नहीं. बट क्या वो ये बाउंटी डिजर्व करता है? नहीं, क्योंकि ही डिजर्व्स वे मोर देन दिस चुन्नू मुन्नू चिल्लर. विद द बाउंटी ऑफ 3 billion and 189 million बेरीज, इंट्रोड्यूसिंग द टॉप जी ऑफ द वन पीस वर्स, द न्यूएस्ट एम्परर बगी डी क्लाउन, ऑल्सो नो एज बगी सामा. मैं ये ओवर एग्जैजरेशन शिट नहीं करता अगर चैप्टर 1082 नहीं आया होता तो. भोई वॉज फायर इन 1082, द फेस ऑफ क्रॉस गिल्ड, द एम्परर विद द स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंस, द गाय जिसके सामने वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन भी मूद दे, दैट्स हु बगी इज द बेस्ट कैरेक्टर. एंड 7th हाईएस्ट बाउंटी उसी के अंडरलिंक का है, जिसके पास एक तुच्छू मुच्छू टाइटल ही है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन का, द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्स वारलॉर्ड हॉकआईज मिहॉक. इज ही अ ग्रेट कैरेक्टर? यस ही इज. इज ही बेटर देन बगी दो? नहीं. इसकी बाउंटी बट आई थिंक एकदम परफेक्ट है, कंसिडरिंग कि ये कुछ हरकतें किया ही नहीं अगेंस्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. अ बाउंटी ऑफ 3 billion and 590 million बेरीज, दैट सम बाउंटी. द गाय वॉज अ राइवल ऑफ शैंक्स, जिसे बग्गी कब का हरा के छोड़ दिया. द गाय इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ क्रॉस गिल्ड, जिसका लीडर बग्गी है. एंड द गाय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अंडरलिंग बग्गी कैन गेट. एंड इसके साथ मैं बग्गी का नाम जपना बंद कर रहा हूँ, ठीक है. 6th हाईएस्ट बाउंटी एक इतने हरामखोर कैरेक्टर का है, बट आई समहाउ लाइक दिस कैरेक्टर. The only character with two dull fruits, the biggest snitch in One Piece, Emperor Blackbeard aka Marshall D. Teach, the worst D clan ka member. The guy is a good antagonist. Teach defeated Hancock, Law, killed Whitebeard, Haramkhor. Ace ko pakdaya tha Lodu, a guy everyone hate. Disgusting sa dikhta bhi hai ye Dathra Khor, but the fact that iske upar 3 billion and 996 million berries ka bounty hai, दैट्स इम्प्रेसिव. मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आता, 4 billion और देते तो भाई 4 billion हो जाता, कर देना चाहिए था. ये क्या 996 में अटका दिए? लूफी जब भी इसकी गुद्दी तोड़ेगा मज़ा आएगा, और दो यामी यामी से लूफी की गुद्दी टूट जाएगी, बट इन्फ्यूजन भी तो है उस पर. इसके दांतों पर मारना चाहिए भाई उसको, कॉन्क्रोसा की इन्फ्यूज पंच, पूरे दांत टूट जाए मज़ा आ जाएगा. नाउ कम्स द 5 हाइएस्ट बाउंटीज एवर इंट्रोड्यूस्ड. 5th हाइएस्ट बाउंटी है ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस एम्परर. दिस गाय इज सो कूल कि कूलर इसको बोलता है रूम ठंडा करने. दिस गाय इज सो रेड कि अजय देवगन इसे बोलता है जुबा केसरी करने.
एंड दिस गाय इज सो फास्ट कि फ्लैश इसे बोलता है धीरे चलने। मेरी इन टट्टी जोक से भी कम स्क्रीन टाइम है इस बंदे का, लेकिन जब ये दिखता है तब मज़ा आता है, अनलाइक माई जोक्स। विद द बाउंटी ऑफ 4 billion and 48.9 million berries, इंट्रोड्यूसिंग रेड हेड शैंक्स। Do I even have to tell you this guy's feats? Even if I want to, I cannot. लमाओ दिखता ही कहाँ है ये। Still, इसने किड को वन शॉट किया, 3 billion वाले बंदे को वन शॉट। Shanks is a good character. वानो पहुँच के भी ही इनडायरेक्टली हेल्प लूफी, इनडायरेक्टली हेल्प करते टाइम तो सर ने अपना हाथ दे दिया था सीकिंग को। ही नो डाउट डिजर्व्स दिस मच बाउंटी, मोस्ट लाइकली द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट एट प्रेजेंट। फोर्थ हाइएस्ट बाउंटी कैरी करती है मेरी फेवरेट एंटैगनिस्ट। ये इतनी हरामखोर है कि इसको कोई पसंद ही नहीं कर सकता। The ex-emperor, the queen of the Totoland, ex-queen शायद, Big Mom Pirates की captain, Big Mom aka Charlotte Linlin. इस fat ass old hack का bounty है 4 billion and 388 million berries. Damn! मुझे Big Mom इतनी पसंद है कि मैंने इस पर एक dedicated video बना रखा है। वानों में हक दी थी but ठीक है। Did she deserve this much bounty? Totally. Is that even a question? She's a fucking top tier. Rocks की full-fledged member थी ये. And she's the most experienced emperor. Arguably the most evil emperor. Third highest bounty है एक और ex-emperor की. This guy is the guy जिसके पास title था world's strongest creature का. The guy was a part of the strongest pirate alliance. And he was an ex-member of the strongest pirate crew. Kind of the beasts. He has the bounty of 4 billion and 611.1 million berries. At present, अगर काइडो जिंदा है तो वो सबसे ज़्यादा बाउंटी वाला जिंदा पायरेट है। काइडो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इस पर भी मैंने एक अलग सा वीडियो बना रखा है। काइडो इज़ अ ग्रेट कैरेक्टर टू। वानों में तबाही मचाया था इस बंदे ने, इसका फ्रूट भी बढ़िया है। ये अगर इतनी बड़ी बाउंटी डिजर्व नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई। एन ओवर पावर्ड कैरेक्टर एंड फॉर श्योर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर लूफी हैज एवर फेस्ड। हियर कम्स द गाय हु हैड द सेकेंड हाईएस्ट बाउंटी। This guy was referred as the strongest man. He was the top G of old era. And this guy's final words in death marked the start of a new fucking era. The captain of Whitebeard Pirates, Whitebeard aka Edward Newgate. मैंने ये हमेशा बोला है, फिर से बोल रहा है कि Whitebeard is the most badass character in the entire One Piece. कुत्ता बनाया था इसने Blackbeard को, वो भी मरती हुई हालत में। Akainu को मुक्का गड़ दिया था इसने। His love for his family is great too. A pirate with the only desire of family, that's who Whitebeard was. Mera second favorite character. He had the bounty of 5 billion and 46 million berries. He was the only pirate common in two strongest pirate crews. Must character, totally deserved this bounty. And finally, here comes the highest bounty we ever saw till this date. And the person who had this bounty was the one who started the great pirate era. With the bounty of 5 billion and 564.8 million berries, Introducing the only rival of Whitebeard, the guy who played a big role in defeating Rocks, the one and only Pirate King, Gold D. Roger. Kya Roger itni badi, or I should say sabse badi bounty deserve karta tha? Obviously, haan. He is meant to be at the top when it comes to the list of wanted pirates, the biggest pirate One Piece history has ever witnessed. With this, ye list and video hota hai khatam. मुझे पता है कि आगे और भी ज़्यादा ज़्यादा बाउंटीज़ हमें दिखेंगी। रेली गबान ड्रैगन की बाउंटीज़ दिखना बाकी है। शैंक्स ब्लैकबेर्ड क्रॉस गिल्ड के अभी वाले हरकतों की वजह से उनके बाउंटीज़ भी बढ़ जाएंगे अपडेट होके। इसलिए लेट मी से दिस क्लियरली कि मैंने इस वीडियो में सिर्फ उतने ही बाउंटीज़ को कवर किया है जो कि चैप्टर 1082 तक हमें दिखे हैं। तो पता चल रहा तुम एक साल बाद ये वीडियो देख रहे हो एंड होशियार बन के कमेंट करो कि अरे इसका बाउंटी तो इससे ज़्यादा है। ऑलराइट, ठीक है भाई, तुम बहुत होशियार हो। दैट्स इट, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तो बाय बाय।